हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स ऑनलाइन क्लास क्लास 10, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर सेकंड। हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की हमने उसमें जनरल टर्म्स पॉलिनोमियल की डिस्कस की थी, और उसी जनरल टर्म से हमने लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया था, और क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड किया उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने उसके बाद टॉपिक डिस्कस किया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास, उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड करते हो उसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जो वेरिएबल की वैल्यूज आती है उसको अगर वापस क्वेश्चन में पुट कर दें, पुट करके देखें तो जीरो जाते हैं, इसलिए उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम बोलते हैं। लेकिन फाइंड करने का तरीका क्या होता था, गिवन इक्वेशन होती थी हमारे पास, उसको हम जीरो के इक्वल करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, y इक्वल टू पी एक्स, हमारे पास y इक्वल टू पी एक्स, पी मतलब पॉलिनोमियल और वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है। जैसे कोई इक्वेशन होती है हमारे पास, इसका मतलब ये, तो पी एक्स क्या होता है, ये x प्लस टू, इट मीन्स वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए और ये। तो अगर हमारे पास वाई इक्वल टू पी एक्स, इसका मतलब है कि गिवन पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, वेरिएबल क्या है उसमें, एक्स वेरिएबल। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते, ग्राफ हमको बनाना आता ही, आपको पता है ग्राफ में ये एक्स और ये एक्स डैश होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। ऐसे यहाँ पर ये प्लस y और ये y डैश को क्या बोलते हैं, माइनस। और बीच में जो इंटरसेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, उसको ये हमारे पास होता है ओरिजिन जीरो, जीरो से स्टार्ट। अब देखिए ज्योमेट्रिकल ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब जैसे y इक्वल टू पी एक्स, मान लो गिवन कोई पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ हमारे पास यह, जैसे गिवन पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स प्लस टू भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन भी हो सकता है, इट मीन्स क्वाड्रेटिक, एंड ये भी हो सकता है क्यूबिक भी हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस का फाइव, तो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और क्यूबिक भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ग्राफ हमने बनाया, यस, कोई भी इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ ऐसे बना ज्योमेट्रिकली, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.1 भी आपके पास गिवन है, आपके पास ग्राफ के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैं आपको इसी में बताता हूँ सॉल्यूशन के लिए, वाई इक्वल टू पी एक्स गिवन है हमारे पास, तो आप वेरिएबल देखें कौन सा है, एक्स, इट मीन्स एक्स एक्सिस को जो गिवन लाइन है जितनी बार काटे उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। ये लाइन एक्स को कितनी बार काटेंगे, तो ये 1 times और फिर यहाँ पर 2 times, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, 2, ठीक है, सॉल्यूशन मीन्स जीरोस, तो इसके जीरोस 2 zeros, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। अब सपोज ग्राफ आपके पास ऐसा होगा, ये एक्स एक्स डैश, ये ओरिजिन वाई वाई डैश, और ग्राफ आपका ऐसा बनता, तो आप देखिए इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कैंसिल कर रहा है, 1 times 2 times एंड ये 3 times, तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, इसके 3, सॉल्यूशन मतलब जीरोस, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3। अब सपोज ग्राफ ऐसे होता आपके पास, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, अब मान लो जो गिवन लाइन है ग्राफ की ये ऐसे होती है, अब इस केस में क्या है, जो गिवन लाइन है हमारे पास, मतलब गिवन इक्वेशन की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, मतलब कैंसिल काट ही नहीं रहा एक्स एक्सिस को, तो इसका जो जीरोस आएंगे वो जीरो सॉल्यूशन आएंगे, क्या आएगा इसका, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को कैंसिल ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास वाई इक्वल टू क्या है, पी एक्स, हम वेरिएबल एक्स को ही देखेंगे इसे। अगर मान लो आपके पास ये उल्टा रिवर्स प्रोसेस देता, जैसे x इक्वल टू पी वाई, एक्स इक्वल टू क्या देता है, पी वाई, तो इस केस में क्या होता आपके पास, देखिए
इस केस में हमारे पास होता, देखिए सिंपल ग्राफ बनाए तो हम अब वेरिएबल कौन सा देखेंगे, y वेरिएबल देखेंगे। इट मीन्स y को जितनी बार कैंसिल करेगा वो ग्राफ उतने उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो उसका मान लो ये ग्राफ आता आपके पास, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब जो ये लाइन है y को, y एक्सिस को कितनी बार कैंसिल कर रही है, वन टाइम्स यहाँ यहाँ पर। बाकी अब x को नहीं देखेंगे क्योंकि वेरिएबल हमारे पास क्या है, y, y का y को कितनी बार कैंसिल कर रही गिवन लाइन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वन सॉल्यूशन, वन टाइम्स ही कैंसिल का। तो ये ध्यान रखना वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन होते हैं ज्योमेट्रिकली। आप तो बस जो p में, p के जो ब्रैकेट में वेरिएबल है उसको देखो, उस एक्सिस को कितनी बार काट रहा है ग्राफ, वही उतने सॉल्यूशन आएंगे।